स्वागत। आज हमारे साथ फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे देश का दिल जीत लिया अपने इस काम से, जिसकी उनको लोगों को उम्मीद नहीं थी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से सोनू सूद। सोनू सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पंजाब केसरी और पूरे देश की तरफ से आपको एक बिग सैल्यूट कि आप जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को घर पहुँचा रहे हैं, उसकी तरफ से एक सलाम आपको बनता है। और इसके साथ ही हम आपको सर एक फ़ोटो दिखाएंगे, उसके बारे में पूछना चाहेंगे आपसे। पीसीआर से मैं कहना चाहूँगा उस फ़ोटो को, सर इस फ़ोटो के बारे में कुछ, क्योंकि आप जब मुंबई पहुँचे थे तब की ये फ़ोटो है और इस पे बोरीवली से चर्च गेट का पास है ये। तब जिंदगी की शुरुआत हुई थी कि लगा कि स्ट्रगल शुरू करनी है लाइफ की, और बोरीवली से चर्च गेट के बीच में ही सब प्रोडक्शन ऑफिस होते थे और जितने फिल्म स्टूडियोज होते थे। तो हर स्टेशन पे जहाँ पर भी उतर जाओ आप, अपनी जाके स्ट्रगल करके पिक्चर्स देकर वापस आ जाओ। एक पास बनाया हुआ था जनरल, और सारा दिन ट्रेन से घूमते रहते थे और ऑफिस दर ऑफिस स्ट्रगल करते रहते, तो इसलिए वो पास था मेरे पास, बड़ा स्पेशल, अभी मैंने संभाल के रखा हुआ। वो पास हमें किसी तरह मिला, हमने सोचा कि जब सोनू सर से बात होगी तो कोशिश करेंगे कि इस पास, इस फोटो के जरिए उनसे बात की जाए, क्योंकि मुंबई ने जितना कुछ सोनू सर को दिया उतना उन्होंने, सोनू जी ने मुंबई को वापस कर दिया, क्योंकि वो मुंबई को बनाने में जिन कामगारों की सबसे बड़ा हाथ है जिनका, आज वो जब परेशान थे तो सोनू सूद खुलकर सामने आए। तो इसकी, इसका किस्सा सोनू सर से जानेंगे। सोनू सर, वो आप अपने होटल से निकल रहे थे तो फिर कुछ लोग मिले, उसके बाद का किस्सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। हम लोग, मेरी एक दोस्त है नीति गोयल, तो मैं और वो, हमने एक फूड ड्राइव शुरू की जहाँ पे हम लोग 40,000 से 45,000 लोगों को खाना रोज बांटा करते। फिर एक जगह पे हमारा थाने में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे माइग्रेंट्स जाते हैं, तो हमने वहाँ पे पूरा खाने का सिस्टम रखा हुआ था जहाँ पे हम खाना देते थे। तो वहाँ पे एक फैमिली जा रही थी जो कर्नाटक जा रही थी पैदल, तो हमने उन्हें रोका, पूछा कि आप क्यों पैदल जा रहे हो, और आप हमें मौका दो एक दो दिन का, हम लोग परमिशन देके आपको बस पे भेजते हैं। और वो बोले कि नहीं, कोई परमिशन कुछ नहीं होगा, हमें जाना है पैदल और मिलेंगे नहीं। तो हमने किसी तरह उन्हें कन्विंस किया रुकने के लिए, तो फाइनली हमने वो परमिशन दी और 350 लोग पहली दफा कर्नाटक गए प्रॉपर ऑफिशियल परमिशन देकर। मुझे लगता है वो एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर लगा कि ये जो जंग है वो सिर्फ कुछ 350-400 लोगों तक नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत सारे लोगों को पहुँचाना है। और अभी हम हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हर जगह पे लोग जा रहे हैं और खरीदने कुछ लगे हों। सर, आप हर रोज अब तक 15,000 से ज़्यादा लोगों को घर पहुंचा चुके हैं, हर रोज 40,000 से 45,000 लोगों को भोजन करा रहे हैं जो परेशान हैं, सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं? आपके साथ नीलिमा, सॉरी माफ़ करिएगा, जो आपकी फ्रेंड है नीलिमा, आई नो वो हैं, आपकी पूरी टीम है, तो सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है सर? देखिए, बोलते हैं जब आप पहला स्टेप आगे रखते हैं तो कारवां जुड़ता जाता है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते रहते हैं। और ऐसे ही हुआ, पहले मैंने और नीति ने, हमने सोचा कि चलो ये शुरू करते हैं खाने की ड्राइव। फिर मेरा एक होटल है जू के अंदर, वो मैंने डॉक्टर्स और जितने पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन लोगों को दिया। और फिर जब ये सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी ये माइग्रेंट, जब ये शुरू हुई तो हमें लगा कि ये जो परेशानी है हर शहर में, हर हाईवे पे, हर स्टेट की है, तो इसको हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। फिर हम जुड़े, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम, इनफैक्ट मेरा परिवार, मेरी जो वाइफ है, बच्चे, सब लोग इस चीज़ों में लग गए कि किस तरह लिस्ट बनाई जाए सारी और उनको भेजने के लिए पूरी तैयारी की जाए। मैं कहता हूँ कि जो ऐसी जंगें होती है अकेले नहीं जीती जाती, आपको बहुत सारा साथ चाहिए रहता है, और मुझे लगता है कि मेरे साथ अभी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं। सर, नीलिमा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलिमा, अगर नीति आप हमारे साथ जुड़ गई, आपका आवाज आ रही है हमारी? हाँ, आ रही है, बीच बीच में कट रही थी। वेलकम टू पंजाब केसरी टीवी। थैंक यू जी, थैंक यू। नीति, आप फ्रेम अगर थोड़ा सा ठीक कर लें, आपको मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर लें तो फिर बस थैंक यू सो मच, थोड़ा सा दूर और आप कर लें बस। अभी ठीक है? सोनू सर और नीति मैम दोनों लोग हमारे साथ हैं। ये एक ऐसी टीम है जिसने प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया,
और जो लोग सड़कों पर थे, लाखों लाखों लोग, मुंबई को जिसने बनाया, मुंबई को जिसने एक नई पहचान दी, वो परेशान जब थे तो कोई मुंबई के बहुत सारे लोग जो उनको खाना दे रहे थे, उनको दूसरी सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, लेकिन सोनू सर और निधि मैम ऐसे हैं कि जिन्होंने उनको घर पहुंचाने का बेड़ा उठाया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है अभी भी है, शुरू है, अब कितना लक्ष्य है कि कितने लोगों को अभी तक घर पहुंचाना है? निधि मैम आपसे। अभी तक हम लोग कुछ 10,000 के ऊपर लोगों को पहुंचा चुके हैं घर पे, और हमारे पास अभी कुछ 70,000 लोगों की रिक्वेस्ट है। तो हम अभी उनको कोशिश कर रहे हैं कि सोनू जी कोशिश कर रहे हैं थोड़ी ट्रेन चले, आज एक एयर लिफ्ट भी किया है कुछ लोगों को। तो जैसे जैसे व्यवस्था हो रही है हम वैसे वैसे भेज रहे हैं, पर हम लोग 24 घंटे ही समझो काम कर रहे हैं, और रोज ही करीबन 10 से 15 बसेस निकल रही हैं, कभी ट्रेन निकल रही है। तो हम लोग जितना जल्दी हो सके लोगों को मिलवा रहे हैं अपने परिवारों से, उनको घर भेज रहे हैं। तो सर शेड्यूल पूरा बिल्कुल बिजी रहा होगा इस समय, क्योंकि अब लोगों के फ़ोन, ट्विटर पे रिप्लाई, ट्विटर के जरिए लोगों की मदद। सोनू सर आपसे जानना चाहूँ, कितने लोगों की टीम इसके पूरे मुहिम के पीछे काम कर रही है? जैसे मैंने बोला कि जो शुरुआत की मैंने नितिन ने शुरू की घर भेजो, में सब लोगों से घर भेजा जाए, फिर हमारे परिवार वाले जुड़ गए, नितिन के हस्बैंड प्रणय वो भी 24 घंटे लगे रहते हैं, मेरी वाइफ सुनाली वो लोग भी सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। फिर उसके अलावा फिर मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो उनकी पूरी टीम एक से दो, दो से 10 लोग जुड़े, और फिर नीति के कुछ लोग हैं वो दोस्त, वो भी जुड़े। तो अभी कम से कम 15-20 लोगों की तो उन लोगों की लिस्ट है, जो सब लोग जो फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उनका डाटा निकालना कि कौन गोरखपुर जाएगा, कौन लखनऊ जाएगा, कौन झारखंड जाएगा, वो एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बुलाना, ट्रांसपोर्ट की बसेज अरेंज करना, उनका खाना वाना सब अरेंज करके करना, तो हो रहा है। मुझे लगता है कि ऊपर वाला है जो हमें सिखा रहा है कि सब कैसे होगा। सर उसके बाद कई सारे सवाल दर्शकों के भी आने लगे हैं, कुछ लोगों का सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई जा रही है, क्या सोनू सर जिस तरह से खुलकर लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या वो राजनीति में भी आ सकते हैं, क्या कुछ ऐसे अटकलें भी लगाई जा रही हैं? नहीं, राजनीति की जरूरत नहीं है, जब राजनीति में आए बिना हम लोग काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए ट्विटर पे सबको जवाब देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया हैंडल सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि उन तक पहुंचना है जो आपको आपके उस बात का, आपके उस जवाब का इंतजार करते हैं। अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा है कि मैं कहीं फंस गया और मैं घर जाना चाहता हूं, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दिन था, हफ्ता था, महीना उसका इंतज़ार करता है, कब मुझे पता चलेगा कि वो क्या बोलते हैं। तो कोशिश होनी बहुत ज़रूरी है, सफलता आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है सफलता भी आपको मिल ही जाती है। बिल्कुल सर, कुछ ये भी प्रश्न हो रहा है कि खासकर जब प्रधानमंत्री समेत देश के सभी सांसद, सभी विधायक, हर स्टेट में सरकारें हैं, वो यूपी और बिहार के लोगों की मदद नहीं कर पाई, ऐसे में आप सामने आए, तो आपको क्या आपका प्रयास सरकारों की नाकामी को ढक पाएगा? देखिए, हर एक इंसान का खुद तरीका होता है, सरकार ने भी बहुत कुछ किया, हम ये नहीं कर सकते कि सरकार ने नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन एज इंडिविजुअल आप खुद कॉल ले सकते हैं। सरकार की कई बार पॉलिसीज होती हैं, तरीके होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो जिसके अंदर कई बार समय ज़्यादा लगता है और उससे आम जो लोग हैं, प्रवासी, उनका नुकसान हो जाए या कुछ भी। लेकिन हम लोग जब सोचते करने का, तो हम तो किसी से पूछते नहीं, हम लोग गाड़ी निकालते हैं और पहुँच जाते हैं कि उनको कैसे घर पहुँचाया जाए। तो हमारी सरकार तो वही है कि मैं नीति को फ़ोन करता हूँ, नीति आज इतने लोग हो गए, चलो उनको घर भेजा जाए, और फिर हम लोग अगले दिन उनको घर भी भेज देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा मोमेंट की कॉल होता है, और हम लोग इसीलिए इससे सफल हो पाए क्योंकि हमने सोच लिया था कि बहुत लोगों को घर भेजना है, और हम लोग उसके पीछे फिर गए। नीति मैम आपसे सवाल होगा कि इस जो ये बुरा दौर चल रहा है, इसमें आप मुंबई को कैसे देखती हैं, कि जिन मजदूरों ने मुंबई को बनाया, चाहे वो छोटे तबके से लेकर बड़े तबके की बात हो, लाखों लाख करोड़ों लोग आते हैं मुंबई सर्वाइव करने की, चंद रोटी कमाएंगे और परिवार की अपने हेल्प करेंगे, तो आज उनकी वो इज्जत उस वही शहर नहीं कर पा रहा, वही उस शहर उनको एक वो भरोसा नहीं दिला पा रहा है कि आप महीने दो महीने यहाँ रहिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। असल में क्या हुआ है ना, बॉम्बे में, मुंबई में क्या हुआ है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में है ये माइग्रेंट्स, तो यहाँ पे की जो गवर्नमेंट है या यहाँ पे जो BMC आप कह लो, वो अपनी तरफ से पूरे स्टेप्स उठा रहे हैं, पर प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में ये लोग, लाखों की संख्या में हैं, और इनका भी सोचना ठीक है कि भाई हमने अपने हाथों से ये देश बनाया है, आज आप देखो सड़कें हैं, हॉस्पिटल है, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, सब इन लोगों ने ही बनाया है।
तो 2 महीने 2.5 महीने तक इन्होंने काफी सब्र रखा कि चलो कुछ खुल जाएगा, हमें काम मिल जाएगा, पर इनके पास ना काम है ना पैसे हैं। तो अब तो हमारे जैसे लोगों को ही इनकी मदद मतलब गवर्नमेंट के साथ मिलके करनी पड़ेगी और इनको ये हौसला दिलाना पड़ेगा कि हम सब सारे हिंदुस्तानी इनके साथ खड़े हैं और ये अपना अभी तो गांव जाएं और फिर वापस आएं और अपना कार्य शुरू करें। तो ये हौसला दिलाना इन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि अभी भी आप जहाँ काम जहाँ से लोगों की मदद की जा रही है आप वहीं मौजूद हैं या घर पे हैं? अभी नहीं, अभी तो मैं घर पे हूँ, पर अभी मैं स्टेशन ही जाने वाली हूँ क्योंकि हम लोग जितनी भी श्रमिक ट्रेनें चल रही हैं बॉम्बे से उसमें हम लोग खाना पानी फूड्स डाल रहे हैं और वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना जाए घर पे। काफी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे यात्रियों को खाना नहीं मिला है, पानी नहीं मिला है, तो हम लोग अपनी कोशिश में है कि कोई भी यात्री भूखा ना जाए, तो बस उधर ही कोऑर्डिनेशन में है। ये मेरा अगला सवाल है सर कि ये दोनों लोगों से होगा, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार सभी राज्य सरकारों का जहाँ माइग्रेंट्स बड़ी संख्या में रहते हैं वहाँ की सरकारों का फेल्योर है, उन्होंने मैंने वो सर उन लोगों को भरोसा नहीं दिला पाए कि आप हमारे यहाँ रहिए हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कई ऐसी दर्दनाक तस्वीरें आई हैं, कोई प्रेग्नेंट लेडी रास्ते में बच्चे को जन्म देती है, बच्चा चंद घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है, कई सारे बच्चों की मौत हो जाती है, कई सारे प्रवासी मजदूर चलते चलते गर्मी से मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। कहीं ये सरकार एक सरकारों का फेल्योर नहीं है, एक सरकार नहीं सभी राज्य सरकारों का? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती तो यही है कि शायद हम इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचते तो पहले सोचते जो उनको समय मिल जाता वहाँ पहुँचने का, बट पूरा प्रवासी जो लोग चल पड़े सड़कों पे चल पड़े जी, उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो साधन थे उनको दे देने चाहिए थे। अभी जैसे आपने देखा कि स्टेट में बसें शुरू की, जो लोग पैदल चल रहे हैं तो कम से कम उसी स्टेट में चलती रहती बसें, कि अगर लोग पैदल चल रहे हैं तो उनको बस में बिठाते, उनको कहीं छोड़ कर आ जाते, बॉर्डर पे छोड़ कर आ जाते, क्योंकि उनका सफर कम होता। हमने टोटली वहाँ से सब कुछ निकाल लिया क्योंकि सरकार को भी पता नहीं है कि कैसे इसको करना है, पहली दफा सबने एक्सपीरियंस किया है तो मालूम नहीं किसको हैंडल कैसे करना है। तो उसमें मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा जिसको नुकसान हुआ है वो हमारे प्रवासी भाई बहनों को हुआ है, और वो अगर हम बचा पाते तो मुझे लगता है कि अच्छा हो पाता है। जी सर, एक सवाल ये दर्शकों का हमारे सवाल है कि उनको सारे देश के दर्शक जो हैं वो आपको ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं, और एक दुर्गा यादव वो लिख रहे हैं कि देश की क्या स्थिति है उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से ज़्यादा सोनू सूद लोगों की मदद कर रहे हैं, बिहार में तो आपकी मूर्ति बनाने की मांग हो चली है, आपने रिप्लाई दिया कि उन पैसों से गरीबों की मदद कीजिए। देखिए ये तो जब आप किसी को उनके परिवार से मिलाने की आप कोशिश करते हैं, आप उनको ट्विटर पे जवाब देते हैं कि मैं वादा करता हूँ कि आप अपने परिवार से मिल लोगे और वो मिल लेते हैं, तो वो इमोशन उनके साथ जिंदगी भर रहती है। उन्होंने बोला कि हम आपकी मूर्ति बनाएंगे, मैं वही बोला कि वो पैसे से किसी की मदद कर दो। बट मेरे लिए एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि मैं सब उन लोगों से जुड़ पाया जिनको तो मैं कभी जानता नहीं था, और वो अपने घर में अपने परिवार वालों से मिल पाए। यही कहूँगा कि मुंबई में इतने साल आने के बाद ये जो हमारा परिवार है वो और बड़ा हो गया है, वो परिवार के सदस्य यूपी में, बिहार में, झारखंड, उत्तराखंड, उड़ीसा, हर स्टेट में हो गए हैं और वो जिंदगी भर हैं। जी सर, एक हमारे दर्शक हैं प्रशांत, उनका सवाल ये है कि देश में मौजूदा समय में 88% सांसद जो हैं वो करोड़पति हैं जबकि 90% जनता वो गरीब है, क्या ऐसी आपातकाल स्थिति में समाज सेवा करने इन करोड़पति सांसदों के धन को गरीबों में नहीं बांटा जाना चाहिए जबकि सोनू सूद ऐसी मदद कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि आपने जो ये लहर उठाई है उससे युवाओं में एक दूसरा ही जोश आ गया है? अच्छी बात है, जोश होना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ जोश से काम नहीं चलेगा, घर से बाहर निकल के मदद भी करनी बहुत जरूरी है। जी चाहे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं और निकी हमेशा एक चीज के तो हम लोग हमेशा एक चीज पक्का मानते हैं कि अगर आपके घर में आपके किचन में एक खाना किसी एक्स्ट्रा इंसान के लिए बनता है, चाहे वो आपका वॉचमैन हो या सब्जी वाला हो या कोई भी हो जो आपको जानता भी नहीं हो, चाहे आप उसे सिर्फ चाय पिलाने जाकर, तो उसको एक जेस्चर मिलता है कि उनके लिए कोई ना कोई खड़ा है और उनके लिए सोच रहा है। तो ये जो सोच है वो हर परिवार में होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए, तभी वो गुस्सा करना घर से बहुत आसान है लेकिन उस मुश्किल का हल ढूंढना मुश्किल। तो मैं यही कहूँगा कि ये मुश्किलों का हल ढूंढना इस समय नीड ऑफ द आवर है।
सर हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन के सीईओ भी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हम स्माइल फाउंडेशन काफ़ी समय से लोगों की मदद कर रहा है, पूरे देश में विश्व में फैला हुआ है, लेकिन जो मदद कैंपेन आप लोगों की तरफ से चलाई गई है वो कैंपेन कहीं ना कहीं उस फाउंडेशन की को और भी मजबूत और भी कुछ नया करने को प्रेरित करता है। ऐसे में सर मैं जानना चाहूँगा कितना अनाज आप लोगों को खर्च हो रहा है, अगर कुछ दर्शकों का सवाल है कि सोनू सर से हम ये जानना चाहेंगे कितना राशन कितना अनाज पर डे लोगों को खाना खिलाने में लग रहा है। देखिए थोड़ा हिसाब मुझे लगता है खाने का ज्यादा नीति बता पाएगी क्योंकि नीति आवाज आ रही है आपको, नीति आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है। सर हमारे साथ इस्माइल फाउंडेशन के सीईओ संजय सर भी हैं। संजय सर स्वागत है आपको पंजाब केसरी टीवी पर। संजीव सर धन्यवाद आपका। हमारे साथ सोनू सर हैं। सोनू सर आप इंटरेक्ट कर रहे होंगे सर को, इस्माइल फाउंडेशन के सीईओ हैं, आपकी काफी तारीफ कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे सर आप सोनू सूद के बारे में? सर सोनू सूद जी ने जो पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, सोनू जी सूद जी से वर्चुअली मिलके बहुत मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, और इनका जो काम है पूरे देश में हो रहा है क्योंकि माइग्रेंट लेबर जो कि बॉम्बे में खड़े थे बेचारे फंसे हुए थे, कुछ बिहार जाने वाले थे कुछ यूपी जाने वाले थे, उन सबको इन्होंने पहुँचाया है। ये बहुत नेक काम किया है और इनकी दरियादिली है जिसकी वजह से ये पहुंच पाए हैं। और हमारा जो स्माइल फाउंडेशन का ऑब्जेक्टिव भी यही है, जो डेली वेज अर्नर्स हैं जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उन तक जो अभी कठिन घड़ी है उसके अंदर उनकी मदद और सपोर्ट किया जाए, और इनके और हमारे जो नेक इरादे हैं वो एक जैसे हैं। नीति मैम मेरा सवाल आपसे था जो मैं सोनू सर से कर रहा था कि कितना राशन कितनी सामग्री पर डे आप लोग लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ आंकड़ा दर्शकों में उत्सुकता है क्योंकि वो हर सब कुछ जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कितना खर्च हो रहा है क्या कुछ। 1,00,000 माइग्रेंट्स को रोज खाना दे रहे हैं, जो सारी बसें चल रही हैं, जो भी इंटरस्टेट बॉर्डर्स में जा रही हैं, सारी ट्रेनों में, और जो भी बॉम्बे में भी रह गए हैं वो सब मिला के करीबन हम लोग 1,00,000 खाना दे रहे हैं। और करीबन आपको मैं बोलूं अगर तो रोज का हमारा कुछ 35,00,000 का खर्चा है सिर्फ खाने का। क्या बात है सर, मैं ये जानना चाहूँगा स्माइल फाउंडेशन भी मदद कर रहा है मुंबई में लोगों की, तो आपकी मदद किस प्रकार से है और सोनू सर के साथ क्या जो जैसे सोनू सर मदद कर रहे हैं लोगों की, क्या कुछ मदद आप भी वैसा ही कर रहे हैं या फिर उससे कुछ अलग? हमारे जो मदद करने का तरीका है हमने मदद को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग है कि जो हम जिसमें लोगों को खाना दे रहे हैं, अभी तक हमने 1,00,000 बच्चे और उनकी फैमिली को हमने खाना दिया है, 1,00,000 तक के लोग संख्या तक हमने खाना पहुंचाया है, 30 दिन का उनको राशन ड्राई राशन दिया है, और इस तरीके से हमने उनको करीबन 9.5 मिलियन मील्स प्रोवाइड किए हैं जिससे कि का 1 महीने तक का जो भरण पोषण है वो अच्छी तरह से हो। उसके अलावा जो हमारा उद्देश्य है वो हम 2,00,000 बच्चों और उनकी फैमिली तक पहुंचना चाहते हैं, और हमारा उद्देश्य है कि हम 20 मिलियन मील्स 17 स्टेट्स में पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, जो हम इस महीने के जून मतलब महीने के अंत तक हम कर पाएंगे। जी जी सोनू सर अभी आपका आज का क्या प्रोग्राम है, कुछ दर्शक ये भी पूछ रहे हैं कि सोनू सर तो अभी मुझे लग रहा है घर पे हैं, वो कब निकल रहे हैं फिर से लोगों तक पहुँचने के लिए, लोगों तक लोगों की बसों के पास कब पहुँच रहे हैं? मैं आपसे इजाजत ही लेने वाला था, अभी मैंने बोला कि उधर मेरा लगातार फोन बज रहा है, नीति का भी फोन बज रहा है, हमें भागना है, बहुत सारे लोग मुंबई में अलग अलग कोनों में फंसे हुए हैं, उनको उठाकर एक जगह पर लेकर आना है, उनकी सब बसेस करने उनका तैयार है, कुछ परमिशन भी रुकी हुई है, उन परमिशन को भी फटाफट फोन करके बुलाना है ताकि शाम तक सब लोग अपने अपने स्टेट्स पे निकल पाए। तो बस इसीलिए मैं भी आपसे इजाजत ही लेना चाहूंगा कि आप हमें बस ऐसे ही विशेष देते रहे और हम लोग काम करते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोनू सर हमसे जुड़ने के लिए और नीति मैम हमसे जुड़ने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश को, माइग्रेंट्स को, श्रमिकों को, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, पंजाब केसरी की तरफ से आप लोगों को सलाम है, पूरे देश की तरफ से सलाम है। हम यही चाहेंगे कि अगर आपके पास समय हो तो रुक जाएं, अगर समय नहीं हो तो आप जो काम आप इतना नेक काम कर रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। और हमारे साथ स्माइल फाउंडेशन के सर भी जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़े हुए हैं। सोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसको आप करते रहिए क्योंकि एक उम्मीद लोगों में जगी है
क्योंकि राजनीतिक दल जो है उनसे लोगों का विश्वास उठ गया है। आज जो आवाज़ चल रही है कि ये तो सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिससे लाखों मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। सोनू सर, जाते जाते एक आखिरी मैसेज आप छोड़ जाएं, कुछ देश के नाम, सरकारों के नाम, जिससे लोग कुछ समझ सकें। देखिए, मैं कोई मैसेज छोड़ने की पता नहीं स्थिति में हूँ या नहीं, पर इतना ही कहता हूँ कि जो भी है, जितने हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन है, आप पैदल ना जाएं, थोड़ा सा इत्मीनान रखें। सरकार ने भी बहुत अभी सुविधाएं शुरू की हैं कि धीरे धीरे आप जल्दी घर में पहुंच जाएंगे। हम भी कोशिश में लगे हैं, अब तो पूरा देश आप लोगों के साथ है, और बस आने वाला समय अच्छा ही होगा। ये समय जो मुश्किल था कट रहा है और कट जाएगा, और हौसला रखिए, और फिर हम लोग वापस जो है नॉर्मल जिंदगी में जरूर घुसेंगे, और मे भी इससे बेहतर जिंदगी। नीति मैम, एक छोटा सा सवाल आपसे होगा कि आप जो सोनू सर के साथ मिलकर एक मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, इसमें अब आप आगे क्या क्या एड ऑन करने वाली हैं? अभी तो हम लोग पहले सबको अपने सुरक्षित घर पहुंचाना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग एक और काम कर रहे हैं। काफी फार्मर्स हैं नासिक में और पूना में जो लोग अपना सारा सब्जी और फ्रूट्स फेंक रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, और बॉम्बे में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उनकी बातचीत जाती है फार्मर से। तो हम लोग वो सारा सामान उठा के ये सारे जो यहाँ पे क्लस्टर्स हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, उनमें हम लोग फ्री में ये सब सब्जी फ्रूट बांटेंगे, जो कि कुछ टनों में होगा सामान, तो फार्मर्स की भी मदद हो जाएगी और लोगों तक भी ये पहुँच जाएगा। तो ये हमारा अगला कार्यक्रम है। संजीव सर, एक छोटा सवाल आपसे होगा कि स्माइल फाउंडेशन इस मुहिम में क्या कुछ अब करेगा, क्योंकि एक लॉकडाउन जो है थोड़ा सा लंबा चलना है, जो भी आ रही है कि जून तक में, 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, तो इंडस्ट्रीज बंद हैं, सब कुछ ठप है, तो आपकी मदद तो अनवरत चलती रहती है, पूरे साल चलती रहती है, तो आप लोगों का इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं अपनी बात को, पहली वाली बात को भी थोड़ा कंप्लीट करना चाहता था कि एक तो हमारा काम है ड्राई राशन, जो हमने आपको बताया कि 2 लाख बच्चों और परिवारों तक हमको पहुंचना है, जिसमें हमें 1 लाख तक पहुंच गए हैं, 1 लाख जून माह में पहुंचेंगे। इसके अलावा हम टेली काउंसलिंग और टेली मेडिसिन की फैसिलिटीज भी लोगों को दे रहे हैं। फोन के द्वारा यदि कोई बच्चा बीमार पड़ गया है, उनके परिवार में कोई बीमार पड़ गया है, तो हमारी सेवाएं चल रही हैं। उसके अलावा हमारी मोबाइल वैन भी, 38 मोबाइल वैन्स भी चल रही हैं, जो कि बच्चों को और परिवार को कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा काम हमेशा चलता रहेगा। उसके अलावा हम कहते हैं स्किलिंग में भी नए तरीके से काम करने की बात सोच रहे हैं, और हमारा जो काम है, ये जितने भी जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, माइग्रेंट लेबर्स है, डेली एज वर्नर्स है, उन तक पहुंचना और उन्हीं को ये सेवाएं देना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, और ये काम हमारा, हम 15 साल से इस काम को कर रहे हैं और आगे भी। सोनू सर, मुझे पता है कि आपके फोन लगातार बज रहा है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे होगा, इसके बाद हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, कि क्या इन प्रवासी मजदूरों के लिए कोई स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आप चलाएंगे, जिससे आने वाले समय में ये जब कोई ऐसी समस्या हो तो इनको स्किल डेवलप प्रोग्राम के तरह जो ये सीखे उनसे उनको मदद मिल सके? देखिए, मैं, मुझे पता नहीं मैं उस लायक हूँ, ये नहीं कि इतनी मुहिम बना सकूँ, चला सकूँ, बट हाँ, ये जरूर हमारी चर्चा होती रहती है कि हम लोग कैसे शुरू करें, ताकि जिन लोगों के जॉब्स गए हैं उनको कैसे नया क्रिएट कर सके, या कैसे उनको उन कनेक्शन के साथ जोड़ सके, ताकि वो वापस अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी है वहाँ पे नई चीज़ें शुरू करके नई चीज़ों को बना सके। तो उसकी कोशिश रहेगी पूरी, और होपफुली जल्दी हम लोग वापस भी जाएंगे। बस अभी तो इन लोगों को चढ़ाने जाना है, तो आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, ताकि और एक्स्ट्रा 10-20-25-50 लोग अपने घरों में जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सोनू सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, नीति मैम आपका जुड़ने के लिए, स्माइल फाउंडेशन की तरफ से सीईओ सर हमारे साथ थे, तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और पंजाब केसरी और पूरे देश की तरफ से आप लोगों को एक बिग सैल्यूट कि आप लोग इतना अच्छा मुहिम, इतनी अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ सोनू सूद, उनकी साथी नीति और स्माइल फाउंडेशन के सीईओ संजीव जी, जो तीनों लोग मुंबई में प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं, जो लोग घर नहीं जा पा रहे हैं उनको घर पहुंचा रहे हैं, और अपने मुहिम के जरिए लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीत रहे हैं। ऐसे ही अगली शख्स के साथ जल्द ही रूबरू होंगे, तब तक देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।